बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं ग्रहवाणी चैनल को देखने के लिए। बहनों भाइयों, आज के इस वीडियो में वनस्पति तंत्र की एक विशेष दिव्य औषधि अपामार्ग की चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसका एक एक पॉइंट नोट करने लायक है, याद करने लायक है, लिखने लायक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे भाइयों, अपामार्ग, इसको लट जीरा कहते हैं, कहीं पर इसको चिरचिटा भी कहते हैं और कहीं पर इसको ओंगा भी कहते हैं। अपामार्ग, लट जीरा, चिरचिटा, ओंगा, ये इसके नाम हैं। मेरे भाइयों, हजार दुखों की दुखों को दूर करने की औषधि है ये, हजार दुखों को दूर कर देती है। बहुत तंत्र में इसका विशेष प्रयोग है और चिकित्सा में भी इसका विशेष प्रयोग है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचनी ही चाहिए। मेरे भाइयों, किसी भी वनस्पति तंत्र में ये बताया गया है कि किसी भी वनस्पति को लाने के लिए एक विशिष्ट मुहूर्त होता है, रवि पुष्य योग, यानी रविवार को पुष्य नक्षत्र हो तो रवि पुष्य योग होता है, और जिस दिन रवि पुष्य योग होता है उस दिन इन औषधियों में एक दिव्य शक्तियां प्रवाहित होती हैं, दिव्य शक्ति पैदा होती है, और उसी मुहूर्त में जब ये दिव्य औषधि निमंत्रित करके लाई जाती है तो जब तक ये हमारे पास रहती है अपने दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर रहती हैं। मेरे भाइयों, इस वर्ष 10 अप्रैल को रविवार ये रवि पुष्य योग है, शनिवार को निमंत्रित करना है और 10 अप्रैल को लेकर के आना है। इसी तरह 8 मई को रवि पुष्य योग है, एक दिन पहले निमंत्रित करना है। निमंत्रण के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती है, शुद्ध जल लेकर के जाइए, पीले चावल लेकर के जाइए, थोड़ा सा मिष्ठान और धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है लेके जाइए, पौधे के पास जाइए और वहां पूरी श्रद्धा के साथ निवेदित करिए कि हे दिव्य औषधि, हम आपके दिव्य औषधि गुणों के साथ कल आपको लेने आएंगे, आप हमारे यहां चलिएगा, आपका स्वागत है और हमारे कष्टों को दूर करिएगा। इस तरह से निमंत्रित किया जाता है और रवि पुष्य योग में लेकर के आया जाता है। रवि पुष्य योग इस वर्ष 10 अप्रैल 8 मई तारीखें नोट रखें 2022 में। अब चर्चा करता हूं इसके उपयोगों के बारे में। मेरे भाइयों, ये दो तरह की वनस्पति होती है, एक लाल रंग की होती है, एक सफेद रंग की होती है। दोनों का यूज बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छा है। लाल अपामार्ग की जड़, इसको अगर ले आवे और इसको दातून की तरह इस्तेमाल करें, अगर दातून की तरह इस्तेमाल करेंगे तो दांतों में दिव्य चमक तो आती ही है, दांतों के रोग दूर होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये है कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है अगर आप प्रतिदिन लाल अपामार्ग की जड़ का की दातून करते हैं। लाल अपामार्ग की ताजी पत्तियां ले आइए और उसकी माला बना लीजिए और उसको धारण करवाइए जिसको कंठमाला का रोग है। कंठमाला एक ऐसा रोग है जिसमें गले में बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाती हैं और वो पक जाती हैं, उनसे पस निकलता है और बहुत असह वेदना होती है। ये कंठमाला रोग को दूर करने की भी बड़ी अच्छी औषधि है। लाल अपामार्ग की पत्तियां लाइए और उसकी माला बना करके रोगी को पहना दीजिए। मैनु भाइयों, इसकी राख, अगर जड़ की राख बना ली जाए, लाल अपामार्ग की जड़ की राख बना ली जाए और गाय के दूध में अगर 1.25 महीने तक नित्य प्रति 1 रत्ती अगर खिलाया जाए व्यक्ति को, तो स्त्री को स्वस्थ संतान जन्म लेती है ऐसा बताया जाता है। इसके बीजों में भी बड़ा चमत्कार है, जो इसके बीज होते हैं लिपटे हुए कपड़ों में चिपक जाते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसके बीजों के चावल निकाल कर और दूध में डाल करके खीर बना करके खाया जाए
तो 15 दिन तक भूख नहीं लगती, 15 दिन तक भूख नहीं लगती। लट जीरे की जड़ को कपिला गाय के दूध में कर घिस करके अपने माथे पर चंदन की तरह लगाया जाए तो व्यक्ति के अंदर वशीकरण का प्रभाव आ जाता है। ऐसा व्यक्ति सारे संसार को वशीकृत कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है। बहनों भाइयों, उत्तम संतान का सुख भी इसी से मिलता है। अब अगर रवि पुष्य योग में आप लट जीरे की जड़ लेकर के आए हैं और उसको विधिवत आप घर में पूजन करें, उसका धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप दिखा करके और उसको अपने गुल्लक में, तिजोरी में, अपने कैश बॉक्स में रखें, तो धनागमन की स्थितियां बड़ी अच्छी होती हैं। आकस्मिक रूप से धन आने की संभावनाएं होती हैं और आपके संसाधन बढ़ जाते हैं। इसकी 2.5 पत्तियों को गुड़ में मिला करके 2 दिन तक सेवन करा जाए तो पुराने से पुराना ज्वर रोग ठीक हो जाता है। जड़ का तिलक माथे पर अगर लगाया जाता है तो सम्मोहन पैदा करता है। दातून करने से वाक सिद्धि होती है, ये मैंने बताया ही हुआ। बनवाइयों, सफेद अपामार्ग की जड़ को अगर आप रवि पुष्य योग में लेकर के आते हैं और लाल कपड़े में लपेट लेते हैं और उसको अपनी जेब में रखते हैं, अपने बटुए में रखते हैं, तो आपके पास धन कभी कम नहीं रहता, आपका बटुआ हमेशा भरा रहता है। और घर में रखते हैं, भंडार कक्ष में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तो वहां भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। आपके घर में कोई वस्तु अचानक खो गई हो, इसका एक बहुत विशिष्ट प्रयोग बता रहे हैं और मुसलमान लोग इसका प्रयोग करते हैं हजरात सिद्धि के नाम से। आपके घर में कोई वस्तु गुम हो गई हो, इसकी जड़ को आप जो है तिल्ली के तेल में डुबो करके और उसको जलाएं, और कोई 10-12 साल का बच्चा हो उसको उसे देखने के लिए कहें, उस लौ में वो चीज कहां पर है, किसके पास है, ये पता लग जाता है। मुसलमान लोग इस चीज को हजरा सिद्धि के नाम से कहते हैं। एक चमत्कारी प्रभाव इसका और देखने को आता है बहन भाइयों, कि अगर कोई महिला प्रसव वेदना से तड़प रही है, प्रसव नहीं हो रहा है, तो उसके नाभि के नीचे इसको बांध दिया जाता है तो तुरंत प्रसव हो जाता है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि नाभि में बांधते ही प्रसव हो जाए तो इसको तुरंत हटा देना चाहिए, बंधा नहीं रहने देना चाहिए। इसी तरह किसी जानवर के गर्भ में बच्चा मर गया है या किसी स्त्री के गर्भ में बच्चा मर गया है तो विषाक्त प्रभाव पैदा होने लग जाता है। और हमारे देश में 70% ग्रामीण क्षेत्र है जहां तात्कालिक रूप से चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और कई दफे ऐसा होता है कि साधन के उपलब्धता के अभाव में स्त्रियां दम तोड़ देती हैं। तो ऐसी स्थिति जब कभी जटिल स्थिति आ जाए, गर्भ में बच्चा मर जाए, तो उस स्त्री के कमर में इसको लपेट के बांध देना चाहिए किसी धागे में, और धागे में लपेट कर बांधते ही गर्भ से वो मृत बच्चा जो है बाहर आ जाता है और स्त्री के प्राण बच जाते हैं। लेकिन इसको, फिर मैंने बताया, इसको तुरंत हटा देना चाहिए, उसको बंधा नहीं रहने देना चाहिए। इसकी पत्तियों को पीसकर अगर जहां बिच्छू ने काट लिया हो वहां पर लगा दिया जाए तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और इसकी लकड़ी को उस व्यक्ति को सुंघाना चाहिए जिसे बिच्छू ने डंक मारा है, तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मैं भाइयों, सफेद अपामार्ग की जड़ और बहेड़े की जड़ को काले और लाल रंग के कपड़े में बांध करके शत्रु के मकान में रखने से शत्रु के घर से उसका उच्चाटन हो जाता है। लेकिन ये प्रयोग ठीक नहीं है और बहुत आवश्यकता हो तभी करना चाहिए, अन्यथा पाप पड़ता है। पूरा पौधा ले आवें और उसकी भस्म बना लें, दांतों में मले, बहुत अच्छी औषधि है दांतों की। इसके अलावा
बहनों भाइयों, कुछ बच्चों में मसान रोग हो जाता है। मसान रोग यानी सूखा रोग, जिससे बच्चा दिन पे दिन दुबला होता चला जाता है, उसका पेट बहुत बड़ा हो जाता है। अगर इसकी जड़ की छोटी छोटी टुकड़े करके और माले की तरह गले में टाइट बांध दिया जाए, इतना टाइट कि वो लटके नहीं, तो जैसे जैसे उसका ये रोग ठीक होता है, वो माला ढीली होती चली जाती है और रोग पूरा ठीक होते ही वो माला बाहर हो जाती है, ढीली होकर के निकल जाती है। इसी तरह किसी की नाभि अगर उखड़ गई है तो कहीं टलाने की जरूरत नहीं है, कहीं बैठवाने की जरूरत नहीं है। आप जिसकी भी नाभि उखड़ गई है, उसकी कलाई में जड़ की छोटे छोटे टुकड़े करके और कलाई में टाइट बांध दें, जैसे जैसे नाभि बैठेगी अपनी जगह पर और वो ढीला होता चला जाएगा, और जब पूरी तरह से नाभि बैठ जाएगी तो वो अपने हाथ से अपने आप निकल जाएगा। कुछ ऐसे प्रयोग हैं इसके, जिसका बहुत लाभ हमें मिलता है, और इस चमत्कारी औषधि के बारे में हमको आपको जानना ही चाहिए, इसी उद्देश्य से ये वीडियो मैंने डाला है। फिर भी जब आप इस्तेमाल करें तो परामर्श जरूर कर लें अपने बड़े बुजुर्गों से। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।